ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको टाइटल से समझ गया होगा कि आज मैं अपने बाइक में विंगलेस इंस्टॉल करने वाला, जो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए थे। और मैंने एक्सपेक्ट किया कि ये डिले होगा, बट ये डिले नहीं हुआ और टाइम से पहले मेरे को मेरा ऑर्डर मिल गया। तो फाइनली आज हम लोग ये इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें। और मेन बात ये है कि ये अपाची आ रहा है 310 के लिए भी विंगलेट्स आते हैं, मतलब उसके लिए ज़्यादा एक्सेसरीज आता तो है नहीं, और पब्लिक को पता भी नहीं है कि वो आता है कि कौन सा एक्सेसरीज आता है। इसलिए मैं सोचा एक वीडियो इस पर बनाए दूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि विंगलेट्स आर 310 के लिए भी आते हैं। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। सो अनबॉक्स करने के बाद हमें कुछ इस तरह का से बॉक्स मिलता है। एक मिनट, मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ उसके साथ क्या क्या आता है। तो बॉक्स के अंदर हमें ये मिलता है प्रोजेक्ट मोटर रॉड का थैंकुलेटर, और ये व्हील, और ये विंगलेट। और वो विंगलेट्स आएंगे अभी इधर। मैं लगाने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जिधर भी लगाना है ना, वो सरफेस एकदम क्लियर कर लेना, मतलब साफ़ कर लेना, क्योंकि डस्ट वगैरह अगर रहेगा ना तो ठीक से 3M टेप्स ठीक से स्टिक नहीं होगा उधर। सो ये बात का ध्यान रखना। और सबसे मेन बात, आप पहले मार्क बना लेना कि आपको किधर उसको लगाना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए एक साइड ऊपर हो गया, एक साइड नीचे हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, दोनों साइड में सेम दिखना चाहिए। तो पहले वो उतने पोर्शन को मार्क कर लेना, उसके बाद उसमें इंस्टॉल कर, मतलब उसको स्टिक करना, क्योंकि एक बार लगाने के बाद फिर से नहीं निकाल सकते। इसलिए मतलब निकाल सकते बट वो फिर ख़राब हो जाएगा, फिर वो यूज़ भी नहीं आएगा। इसके लिए आप पहले मार्क कर लेना और वो सरफेस साफ़ कर लेना। तो अभी मैं जा रहा हूँ सरफेस साफ़ करने के लिए पहले, क्योंकि गाड़ी बहुत दिन से चला रहे हैं तो थोड़ी तो डस्ट है गाड़ी पे। सो पहले उसको साफ़ करता हूँ और फिर मैं इस पर मार्क करूँगा कि मेरे को किधर लगाना है, उसके बाद मैं इसको लगाऊँगा। तो चलो। सो सबसे पहले ये इतना पोर्शन मेरे को साफ़ रखना है, क्योंकि इधर डस्ट नहीं चाहिए, इधर मेरे को लगाना है। दोनों साइड से कर देते हैं। अभी हम करेंगे मार्किंग। ये देखो कुछ इस तरह कैसे आते हैं, क्वालिटी तो एकदम क्लास लग रही है, लग रहा है रफ एंड टफ है, कुछ होगा नहीं, इधर लगे 3M टेप। और ये मैंने कर ली इधर मार्किंग, ऐसे दूसरे साइड से भी कर लेता हूँ ताकि लगा मैं ज़्यादा आगे पीछे ना हो। सो ये साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो साइड का स्टिकर का एंडिंग था तो उसके लिए इधर पोर्शन मिल गया था, बट ये साइड स्टार्टिंग है तो इधर इतना कुछ मिलता नहीं है, बट तुम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। इतना लगा सकते हैं, तो इधर मैं बना लेता हूँ मार्किंग। तो वो दोनों का मार्किंग तो हो गई, तो अभी आता है मेन काम, अभी लगाते हैं हम लोग उनको ही। तो पहले राइट साइड से ही चालू करेंगे, ये सब 3M टेप निकाल दो पहले। हाँ फाइनली। सो अभी हमें ये लगाना है ये बराबर मार्किंग वाले सेक्शन में।
ये तो लग गया सही, मार्किंग तो हम बाद में करा देंगे, अभी दूसरे साइड का लगा के लेते, इधर ही थोड़ी दिक्कत आ रही है बस। तो फाइनली दोनों साइड में विंगलेट लगा के तो हो गए हमारे, ये भी देखो। पर सामने से देखो बाइक का क्या लुक आ रहा है अभी, जो मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है अभी भाई, मतलब देखो ना, और एकदम सही जगह पे लगे विंगलेट, इसलिए मार्किंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दोनों एक ही लेयर में लगे। जाते जाते एक बात करना चाहूँगा कि ये मैंने जो किया ऑर्डर किया था, ये था प्रोजेक्ट मोटर रोड से, और ये मुझे कुछ पड़ रहा था अराउंड 700, और प्राइस के हिसाब से ये एकदम वर्थ है, मतलब एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, एक बार जाके आप चेकआउट कर लेना, अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। और यही सेम विंगलेट आप R15, RC390, 200 ये सब में भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि सबके लिए वो प्रोजेक्ट मोटर और बनाता है विंगलेट, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। सो एक बार लिंक ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मेरे को तो वर्थ लगा है ये, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही लग रही है इससे गाड़ी मेरी। That's it. अभी चलो आप सिनेमैटिक एंजॉय करो अभी। I've always loved you more than you know, Father. Don't you let me go. So that's it for today, guys. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो मैंने विंगलेट्स इंस्टॉल किए वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वो सबसे मेन चीज़ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि RR से रिलेटेड और सुपर बाइक से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता ही रहूँगा। तो वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, दिस इज शेबा साइनिंग ऑफ।